Good morning, class third. Class, this is your English literature book whose name is Marigold. Okay? Class, today we'll start chapter first whose name is Good Morning. What is the chapter name is? Good Morning. Class, it's a poem. Okay, what is this? It's a poem written by Fanny R. Buchanan. Okay? In this poem, the writer is asking you that do you like to wake up in the morning? Class, tell me, do you like it or not? Yes, na? यहाँ पे जो राइटर है, जो पोयम पोएट है, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि मॉर्निंग में आपको उठना पसंद है कि नहीं? ऑफ कोर्स यस. सी व्हाट द चाइल्ड इन द पोयम फील्स. हियर इन दिस पोयम देयर इज अ गर्ल हु एक्सप्रेसेस हर फीलिंग व्हेन शी वेक्स अप एट इन द मॉर्निंग टाइम. ओके, इस पोयम में एक छोटी सी लड़की है जो अपनी फीलिंग को, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करती हैं जब वो मॉर्निंग में उठती हैं. ओके, एंड शी फील्स वेरी हैप्पी व्हेन शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग टाइम. ओके, सो फ्रॉम हियर द पोयम इज स्टार्टेड. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन. Good morning birds, good morning trees and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? I'm wide awake, I'm up now too. I'll be right out to play with you. So class, here in this poem, the girl says good morning to everyone. Firstly, she says good morning to the sky. Then, she also says good morning to the sun, to the little winds that run, to the birds and the bees and trees. Okay? यहाँ पे जो छोटी लड़की है ना, वो सबको गुड मॉर्निंग कहती है. सबसे पहले वो स्काई को गुड मॉर्निंग कहती है, उसके बाद सन को, देन लिटिल विंड्स दैट रन, जो हल्की हल्की सुबह के टाइम क्या होते, एकदम अच्छी फ्रेश एयर बहती है कि नहीं बहती है, फ्लो करती है ना अच्छी अच्छी फ्रेश एयर, कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी अच्छी होती है ना. सो वो उस फ्रेश एयर को भी क्या कहती है, गुड मॉर्निंग कहती है. एंड ऑल्सो बर्ड्स, ट्रीज, क्रीपिंग ग्रास. ओके, जो छोटे छोटे एकदम मुलायम घास जो होती है ना मॉर्निंग के टाइम क्या होता है, देखते हो ना, तो उस ग्रास को भी गुड मॉर्निंग कहती है. एंड ब्राउनी बीज, बीज मीन्स जो मधुमक्खी होती है ना, उसको भी क्या कह रही है, ये जो गर्ल है क्या कह रही है, गुड मॉर्निंग है सबको. मीन्स वट एवर सी सी एट दैट टाइम सी सेज गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. ओके, टू द सन, टू द स्काई, विंड्स, बर्ड्स, ट्रीज, बीस, ग्रास, एवरी वन. ओके, बट आफ्टर देन सी पुट्स अ क्वेश्चन दैट हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे. सी आस्क्स अ क्वेश्चन to the bees and birds that how they come to know about the morning and how the night is over. Okay, yahan bhi jo girl rehti hai pehle to good morning bolti hai sabko, uske baad ek question put up karti hai, question poochti hai, kya poochti hai ki tum log ko kaise pata chala hai ki subah ho gayi aur raat khatam ho gayi, kaise pata chalta hai tum log ko, theek na. Who told you night had gone away? तुमको कैसे पता चलता है कि दिन हो गया, और तुमको किसने बताया कि रात फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई, रात चली गई. आई एम वाइड अवेक. ओके, यहाँ पे क्या है, मैं भी उठ गई हूँ, मैं अभी अभी उठी हूँ, और क्या है, आम अप नाउ, मैं जाग गई हूँ, मैं उठ गई हूँ तुम लोग की तरह, मैं भी अब सारी चीज़ों को क्या करूँगी, इंजॉय करूँगी. आई एम ऑल्सो इंजॉय ऑल दीज थिंग्स लाइक यू. ओके, I'll be right out of play with you and also I'm coming out to play with you to all these happy creatures. Okay, and also feels very happy and enjoyable like you. Okay, so class, here the poem is completed. Hope you all enjoyed it. Yes or no? Yes na? So class, always wake up at the morning time. Okay, जितनी जल्दी आप उठोगे उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आपको, नेचुरल चीज़ें जो है ना, वो मॉर्निंग के टाइम में ही आपको देखने को मिलेंगी. ओके,
So poem is completed. Now come to the book exercise. Here the first thing that is, let's say aloud. Find words in the poem which rhyme with. Okay, so class, here in this question you have to write down rhyming words. Do you know what is rhyming words? That has similar sound. Rhyming words क्या होते हैं? जिसमें किसी भी word के जो sound हो, similar हो, एक जैसे हो. आप उसको बोलो तो लगे कि एक ही word बोला, भले वो अलग अलग हो. Okay? जैसे run, sun. Okay? So इस तरह के word जो होते हैं वो rhyming words. So here in this question there are three words. You have to write their rhyming words by using the poem. Okay? पोयम में से ही आपको राइट करने. सो फर्स्ट इज बीस ट्रीज डे अवे टू यू. ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट. ड्रॉ इन द टू बॉक्सेस गिवन बिलो एंड कलर द पिक्चर. क्लास, हियर इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ टू ऑब्जेक्ट्स और टू थिंग्स दैट यू see in the daytime or at the night time. Okay? यहाँ पे आपको क्या करने हैं, टू पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं जो कि आप दिन के टाइम में और रात के टाइम में. हियर इन दिस बॉक्स यू हैव टू ड्रॉ टू पिक्चर्स दैट यू सी इन द डे टाइम. जो दिन के टाइम में आप देखते हो तो यहाँ पे टू पिक्चर्स, जस्ट लाइक सन और बर्ड्स. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अदर पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. आप अपने मर्जी से भी, अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कोई भी टू पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो. एंड हियर इन दिस बॉक्स यू हैव टू ड्रॉ टू पिक्चर्स दैट यू सी इन द नाइट टाइम. ओके, यहाँ पे कोई भी ऐसे टू पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं जो कि आप नाइट के टाइम में देखते हो, रात के टाइम में, दिन में नहीं. ओके, सो यू कैन ड्रॉ अ मून और स्टार्स और एनी अदर थिंग्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ओके, नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन. सो हियर इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट देयर नेम्स वॉट एवर यू ड्रॉ इन प्रीवियस क्वेश्चन. जो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पिक्चर ड्रॉ किया है ना, तो जो भी पिक्चर हमने ड्रॉ किया उसके नेम्स राइट करने हैं. फर्स्टली डे टाइम, सो सन और बर्ड्स, एंड नाइट टाइम मून और स्टार्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज हियर इट्स अ पोयम और लाइक अ सॉन्ग. टी टाइम डिनर, दिस इज मड. अ बिग फैट वॉर्म लिव्स इन द मड. अ लीफ फॉल्स इन द मड. इट इज द वॉर्म्स डिनर. फॉर्म्स ग्रुप टेल ईच अदर इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव सीन इन द गार्डन वन डे. क्लास, हियर यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड and then also discuss or tell to each other that object that you see in the garden. Okay, garden में आपने जो भी चीज़ें देखी हैं या देखते हो आप लोग, तो उसके बारे में आपको एक दूसरे से क्या करना है, बात करनी है. So class here, I stop this chapter. Hope you all enjoyed very much. Yes or no? Yes na? Very good. So class, it's enough for the day. Thank you.